सो हेलो एवरीवन, अगेन वेरी वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। और आज हम लोग करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी वेब सीरीज नवरसा का रिव्यू। कैसी है ये वेब सीरीज, वो सारी बात हम लोग आज आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करके हम सारी वेब सीरीज को देखते हैं और आपके लिए सबसे जेन्युइन रिव्यूज लेकर के आते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती रहती है। अब हम लोग चलते हैं इस वेब सीरीज की ओर। तो नवरसा एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है। एंथोलॉजी का मतलब अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि जितने भी इसमें एपिसोड हैं वेब सीरीज में, वो सारे के सारे एपिसोड्स की स्टोरी अलग है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले रे नाम की भी एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसका भी जो भी एक एंथोलॉजी सीरीज थी, वैसी ही नवरसा है। नवरसा तमिल इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन है और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है। वैसे तो वेब सीरीज इंग्लिश और हिंदी में भी डब है, तो आप इंग्लिश और हिंदी में भी देख सकते हैं, और भी लोकल लैंग्वेजेस में वेब सीरीज डब है। मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है, देख लीजिए किस किस लैंग्वेज में डब है। तो अब हम लोग इस वेब सीरीज की ओर बढ़ते हैं। नवरसा मतलब कि नौ रस, और हर एक रस ह्यूमन के अलग अलग इमोशन को डिपिक्ट करता है। यहां पर हमारे नौ एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड में एक रस को दिखाया गया है। अब मैं लाइन से हर एक एपिसोड कैसा था कैसा नहीं था वो बताऊंगा, और कौन से एपिसोड में कौन सा रस दिखाया गया है वो भी बताऊंगा, बट सारे एपिसोड्स की स्टोरी और प्लॉट्स को नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो आधे घंटे की जरूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग हर एक एपिसोड की बात करते हैं। वैसे हर एक एपिसोड की रन टाइमिंग लगभग लगभग 30 मिनट की है, बस जो लास्ट एपिसोड था वो लगभग 50 मिनट का था। एंडिंग भी डिजायरेबल हो जाती है इस वेब सीरीज की। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में कंपैशन रस को दिखाया गया है। जो फर्स्ट एपिसोड है वो थोड़ा सा वीक नजर आता है, इतना ज्यादा खास नहीं लगता मेरे को। कंपैशन को ऐसे दिखाया गया है, Not justified। और वहीं पर जो हमारा सेकेंड एपिसोड है उसमें लाफ्टर को दिखाया गया है, जो हमारा लाफ्टर रस है उसको। और जो हमारा सेकेंड एपिसोड है वो ओके है, मतलब कि ना ज़्यादा बेहतरीन है तो ना ज़्यादा बेकार है, इट्स अ नाइस एपिसोड। वहीं पर जो हमारा तीसरा एपिसोड है उसमें वंडर इमोशन को दिखाया गया है, वंडर हचक्का बचक्का। वैसे हचक्का बचक्का मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लगभग एक 30 मिनट का एपिसोड है, बट ये एक अबव एवरेज एपिसोड है, और वंडर इमोशन को इन लोगों ने जिस तरीके से डिपिक्ट किया है वो मेरे को काफी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट लगा। इस एपिसोड के लिए थम्स अप। वहीं पे जो फोर्थ एपिसोड है उसमें डिस्गस्ट रस को दिखाया गया है। हम लोग बोल नहीं देते, This is a shit, disgusting, you are disgusting। वही disgust रस को दिखाया गया है एपिसोड 4 में, और एपिसोड 4 is अच्छा था। वहीं पे हम लोग बात करें फिफ्थ एपिसोड की, और फिफ्थ एपिसोड मेरे को सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। उसमें पीस को दिखाया गया है, पीस रस को दिखाया गया है। लगभग 30 मिनट की रन टाइमिंग है इस एपिसोड की, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड ऑफ माइन, क्योंकि वो मेरे टाइप का एपिसोड था, इसलिए मेरे को और ज्यादा पसंद आया। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं, बहुत ज्यादा लोचे पोचे वाली स्टोरी नहीं थी इसकी, बट एक सिंपल और पीसफुल स्टोरी थी जिसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे से डाले गए थे। वहीं पर अगर हम लोग सिक्स्थ एपिसोड की बात करें, सिक्स्थ एपिसोड में एंगर को दिखाया गया है, एंगर रस को दिखाया गया है, रौद्र रस को दिखाया गया है, नहीं क्रोध रस, यार हिंदी में मैं कुछ भी बोल देता हूँ, हिंदी का वो मत करिएगा, माइंड मत करिएगा। तो एंगर रस को दिखाया गया है, और जो हमारा सिक्स एपिसोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं टॉप 4 एपिसोड्स की बात करूँ तो हमारा सिक्स एपिसोड ज़रूर आएगा जिसमें एंगर रस को दिखाया गया है। वहीं पे हम लोग बात करें सेवेंथ रस की, जिसमें फियर को दिखाया गया है, मतलब कि सेवेंथ एपिसोड इज़ नॉट दैट मच गुड टू बी ऑनेस्ट। वहीं पे हम लोग बात करें एट्थ रस की, उसमें करेज को दिखाया गया है, वीर रस को दिखाया गया है, जो हमारा 8th एपिसोड है, और वो भी एक अच्छा एपिसोड है, ओके एपिसोड है। वहीं पे जो लास्ट है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, लव प्यार, और ये हमारे इमोशंस, लव इमोशन को दिखाया गया है, लव रस को दिखाया गया है, प्यार रस को दिखाया गया है, कौन सा रस बोलते हैं हिंदी में, उसी रस को दिखाया गया है। और जो हमारा लास्ट एपिसोड है वो भी अच्छा एपिसोड है,
अच्छा है, आप देखेंगे आपको पसंद आएगा। अगर हम लोग एक्टर्स के एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें, हर एक एपिसोड में एक्टर्स ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है। वहीं पे इतने बड़े बड़े बैनर के अंदर इस वेब सीरीज को क्रिएट किया गया है। इवन इसका तो एडवर्टीजमेंट बुर्ज खलीफा में भी चल रहा था यूएई में। तो आप लोग समझ लीजिए इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, बीजीएम है, हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से शूट की गई है। नेटफ्लिक्स की ये वन ऑफ द बिगेस्ट वेब सीरीज है जो लॉन्च हुई है, और ये सच में एक काबिले तारीफ वेब सीरीज है। इसके कुछ एपिसोड तो इतने बेहतरीन हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लास्टली बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मेरी फाइनल ओपिनियन है नवरसा के लिए, इट्स अ मस्ट वॉच सीरीज। इसके कुछ एपिसोड वीक हैं, कुछ एपिसोड अच्छे हैं, कुछ एपिसोड एक्सीलेंट हैं। ये हर एक सीरीज में होता है, तो जाइए इसके सारे के सारे एपिसोड्स को देख डालिए। इट्स अ 18 प्लस आर रेटेड शो, तो बच्चों के साथ तो मत ही देखिएगा। लास्टली बात करें मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है नवरसा के लिए 3.8 आउट ऑफ 5 की। इट्स अ मस्ट वॉच शो फॉर यू ऑल।